हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेडिंग का सीजन चल रहा है और हर कोई अट्रैक्टिव दिखना चाहता है, सुंदर दिखना चाहता है। तो इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, जैसे कि अपनी आईज़ को अट्रैक्टिव कैसे दिखाएं, अपने लुक को ग्लेमी कैसे बनाएं, और इन सब चीज़ों के लिए हमें किस किस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी वो सब मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ, क्योंकि कुड़ियाँ तो बस सब पे बिजली ही गिराना चाहती हैं ऑलवेज। सो वी विद मी कंटिन्यू, आइए शुरू करते हैं। अभी मैंने अपने फेस पे कुछ अप्लाई नहीं किया है, कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, तो आई एम टेकिंग दिस वेट वाइप एंड आई एम क्लीनिंग माई फेस। जस्ट यहाँ पे मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया है, और इसी के साथ क्योंकि विंटर का सीजन है तो हमारी जो स्किन है बहुत ड्राई होती है, तो आई एम यूजिंग दिस पॉन्स मॉइस्चराइजर। एंड देखिए, जब हमारी स्किन पे ओपन पोर्सेस होते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो वेस होता है वो हमारी स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है, और उसकी वजह से हमारा जो मेकअप होता है वो उतना ग्लॉसी नहीं। सो मैं यहाँ पे सुगर का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। जो हमारे पोर्स होते हैं वो इससे क्या होता है, थोड़े क्लोज हो जाते हैं, और जिससे हमारा फाउंडेशन बेस अच्छा बनता है। बेसिकली प्राइमर लगाने के बाद एटलीस्ट 1 or 2 मिनट आप उसको फिक्स होने के लिए रहने दीजिए, जिससे कि वो सेट हो जाता है और फिर आपको हर चीज़ करने में इजी रहेगा, वो एकदम सेट होके बैठेगी। सो नाउ यहाँ पे अब जो भी हमारा डार्क एरिया होता है उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे अपना कलर करेक्शन यूज़ करूँगी अपने डार्क स्पॉट्स को छिपाने के लिए। तो मैं यहाँ पे फॉरएवर 52 की पैलेट यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे फेस पे कहीं कहीं ना एक्टिव पिंपल्स है, हेयर एंड हेयर एक मेरी नोज के पास है, तो मैं इसको हाइड करने के लिए ग्रीन कलर करेक्शन का यूज करूंगी। और अब जहां जहां पे मैंने कलर करेक्शन लगाया है वहां पे मैं कंसील करूंगी, ताकि ये जो कलर हमने लगाया है वो हाइड हो जाए। तो मैं अपना 2 शेड डार्क कंसीलर यहाँ पे चूज कर रही हूँ। यहाँ से मैंने ये वाला शेड जो है चूज किया है, एंड मैं इसको सबसे पहले जहाँ पे मैंने ऑरेंज लगाया था आप चाहे तो अपने पूरे फेस पे भी कंसील कर सकते हैं। सिंपली आई एम डूइंग ब्रश से मुझे, तो आप देख सकते हैं जो भी मैंने कलर करेक्शन यूज किया था वो हाइड हो चुका है, और मेरी कंसील ऐसी है कि मैं थोड़े फाउंडेशन में अपना काम चला लूँगी, यानी कि ज़्यादा फाउंडेशन लेने की ज़रूरत नहीं। सो हमने मॉइस्चराइज़र, प्राइमर, कलर करेक्शन, कंसीलर सब कर लिया है, अब हमें फाउंडेशन लगाना है। तो मैं यहाँ पे आज लैकमे के फाउंडेशन यूज़ करने जा रही हूँ। द सीड इज़ इट्स न्यूट्रल मीडियम, तो मैं ये यूज़ करने जा रही हूँ। एंड यहाँ पर जो हमारा कंसीलर है वो अब सेट हो गया है, और अब हम फाउंडेशन अप्लाई करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने अपना फाउंडेशन ले लिया है, एंड आई एम जस्ट गोना अप्लाई इट सी। तो मैंने अप्लाई कर लिया है एंड आई एम गोना ब्लेंड इट। और ये टिश्यू पेपर मैंने इसलिए यूज़ किया ताकि मेरी जो ड्रेस है वो ख़राब ना हो। तो आपको डैप मोशन में ही हमेशा अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करना है। सी हाउ ब्यूटीफुल इट्स ब्लेंडिंग, बहुत ही हल्के हाथ से आपको इसे ब्लेंड। सी तो मैंने ऑलमोस्ट अपना जो फाउंडेशन है वो ब्लेंड कर लिया है, और जब हम नेक का अपना फाउंडेशन ब्लेंड करते हैं तो उसको ऑलवेज हम ड्रैग मोशन में ही करते हैं, उसको टैप मोशन में नहीं करते। देखिए, ब्रश के हेल्प से ही ये काफ़ी हद तक ब्लेंड हो गया, फिर भी फिनिशिंग के लिए हम अपना ब्लेंडर यूज़ कर लेंगे, ताकि जो भी पैचेस वगैरह अगर हों तो वो अच्छे से क्लीन हो जाएं। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद हम यूज़ करेंगे लूज पाउडर, जो कि मैंने आई मैजिक का लिया है। आपको सिंपली इसको डैप मोशन में ही करना है, टेक इट एंड एक्स्ट्रा को आप डस्ट कर दीजिए एंड देन जस्ट डू इट। जब भी आप लाफ लाइन के पास ब्लेंड करेंगे तो आप इस तरीके से कीजिए,
अब हमको करनी है कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग से हमारा फेस जो होता है वो डिफाइन होता है, तो कॉन्टोरिंग के लिए आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी पैलेट। इसमें 4 शेड्स हैं और एक शिमरी भी है, तो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आप सिंपली अपना कोई भी जो आपको बेटर लगता है लाइक दैट। एंड फॉर ब्लेंडिंग मैंने ये लिटिल ब्रश लिया है एंड आई एम जस्ट डेप मोशन में ही मैं इसको करूँगी। और बिल्कुल हमको इसे हटा, जो हमने फोरहेड पे लगाया है उसको हमेशा ऊपर की साइड ही हमें करना है लाइक दैट। इसके बाद में हम यूज़ करने वाले हैं ब्लशर, और ब्लशर के लिए मैं यहाँ पे नाइवी का पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कलर्स हैं, पिगमेंटेड भी हैं, तो यू कैन यूज़ इट वेरी इजीली। ब्लशर लगाते वक्त आपको करनी है स्माइल क्यूट सी, एंड देन आप अपना ब्लश अप्लाई कीजिए बहुत ही आसानी से। आप ऊपर से स्टार्ट कीजिए और आप डेप मोशन में ही अपने ब्लश को अप्लाई कीजिए लाइक दैट। और अभी अभी ना एक नया नया ब्लश का हैक भी आया है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। लाइक वो क्या है कि ब्लश लीजिए, अपने ब्रश में एक्स्ट्रा को आप डस्ट कर लीजिए एंड क्लोज योर आइज एंड डू जस्ट दिस। एंड सी द डिफरेंस, वाओ हाउ ब्यूटीफुल इट्स लुकिंग, दिस इज वेरी वर्किंग। लाइक ये बहुत अच्छा लग रहा है, और आप इस तरफ देख सकते हैं ये भी अच्छा है, बट इट्स मोर देन ब्यूटीफुल राइट, ब्यूटीफुल। तो अब हमको यूज करना है हाइलाइटर हमारे पॉइंट्स को हाई दिखाने के लिए, और हाइलाइटर को हम नेचुरल वे में कैसे यूज करते हैं वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगी। तो हाइलाइटर के लिए मेरे पास यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन हैं, लाइक मेरे पास ये एक स्विस ब्यूटी का पैलेट भी है, और मेरे पास ये वाला पैलेट भी है यू कैन वी का, इसके अंदर भी हाइलाइटर है और नाइवी के अंदर भी हाइलाइटर है, तो मैं कोई भी यूज कर सकती हूँ। तो आई वॉन्ट टू यूज दिस वन यू कैन वी वाला, दिस इज बिकॉज दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। जस्ट हमने लिया एंड एक्स्ट्रा को हम डस्ट कर देंगे एंड जस्ट आपको जो हमारा चिक बोन है सही वहीं पे ही हमको अपना हाइलाइटर यूज करना है लाइक दैट लाइक दैट। आप चाहो तो फिंगर से भी यूज कर सकते हो, लाइक इसको ऐसे इस तरीके से अप्लाई कीजिए एंड देन इसको ब्लेंड ब्लेंड राउंड सर्कल में आप इसको ब्लेंड एंड सी हाउ प्रीटी इट्स लुकिंग। बिल्कुल भी पैची नहीं लग रहा है, बिल्कुल नेचुरल जैसा लग रहा है, आप देख सकते हैं एंड यू कैन सी वर क्लोज टू फेस हमारा कंप्लीट हो गया है। एंड अब हमें आई शेडो करना है, तो आईज के लिए मैं यहाँ पे ब्राउन स्मोकी इफेक्ट देने वाली हूँ, और जो कि बहुत ही प्यारा सा लगेगा, वो भी मैं ग्लिटर के साथ देने वाली हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने यहाँ पे लूज पाउडर यूज करूँगी अंडर आई के नीचे, ताकि जो भी डस्ट ऑफ हो वो उसके ऊपर हो। सो लाइक दैट आई एम गोना यूज इट। उसके लिए सबसे पहले मैं अपने आईज को कंसील कर रही हूँ, उसके लिए मैं लैक्मे का ये कंसीलर यूज कर रही हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे उसके बाद लूज पाउडर पहले मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये पैलेट डेलांसी की, और उसके लिए मैंने एक ब्राउन शेड पिक किया है। तो आई एम जस्ट अप्लाइंग दिस ब्राउन शेड लाइक एज अ ट्रांजिशन शेड। सिंपली मैं इसको बहुत ही हल्के हाथ से कर रही हूँ, और वो भी सर्कुलर मोशन में। डेप्थ के लिए मैं हल्का सा यहाँ पे ब्राउन शेड यूज कर रही हूँ, ताकि थोड़ा डार्क हो जाए। उसके बाद यहाँ पे डेप्थ देने के लिए मैं अपनी क्रीज लाइन के लिए एक डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ, डार्क शेड ले रही हूँ एकदम, और उसके हेल्प से मैं उसके बाद बहुत हल्का सा मैंने एक ब्लैक शेड लिया है, और मैं उसको अपने इनर कॉर्नर में अप्लाई करूंगी जस्ट बहुत हल्के हाथ से। अब आप इसको बस ब्लेंड कीजिए बहुत इजी हाथ से, ज़्यादा ऊपर मत लेके जाइएगा, आराम आराम से इसे ब्लेंड कर लीजिए। उसके बाद अपना ट्रांजिशन शेड लेके इसको एक बड़े फ्लफी ब्रश से आप ब्लेंड कर लीजिए अच्छे से। आपकी जो भी लाइन है हार्स लाइन नहीं रहनी चाहिए, बहुत अच्छे से आप इसको ब्लेंड करेंगे। यहाँ पे अपनी आईब्रो फिक्स करूंगी, उसके लिए मैंने ये एक स्विस ब्यूटी का आई पेंसिल यूज कर रही हूँ। एंड देन सबसे पहले हमें क्या करना है उसके लिए, सबसे पहले हम उन्हें नीचे की साइड पे कॉम कर लेंगे, ताकि जो भी उसके अंदर फाउंडेशन होता है वो एग्जिट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद सिंपली आप इसको इस तरीके से हल्के हाथ से
मतलब ज्यादा मत करना अगर आपकी आईब्रो डार्क ब्लैक है ऑलरेडी, एंड देन कॉम्बी। उसके बाद छोटे फैन ब्रश के हेल्प से आप अपने यहाँ पे हाइलाइटर हल्का सा अप्लाई कर ली, एंड देन मस्कारा। मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे नाइवी का मस्कारा यूज कर रही हूँ, ये बहुत ही प्यारा है। मतलब आपको आप ब्रश के हेल्प से एक्सिट भी कर सकते हैं। तो हमारा आई शेडो कम्प्लीट हो गया। आप चाहें तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट इफ़ यू वांट कि मुझे थोड़ा शिमरी चाहिए या ग्लिटर चाहिए, तो आप इसके लिड पे, बिल्कुल लिड पर ही अप्लाई करें। बट मुझे ये लुक ऐसे ही अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ूंगी। तो हमारा जो मेकअप है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट है, बस अब हमें अप्लाई करनी है लिपस्टिक। तो मैं यहाँ पर ये इन कलर की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, और लाइनर के लिए ये रेड लिपस्टिक। तो ये मेरे लिपों के लाइन, और आई विल अप्लाई नाउ माय लिपस्टिक शेड। सो मैंने यहाँ पे लिपस्टिक भी अप्लाई कर लिया, एंड यू कैन सी हाउ प्रीटी इज लुकिंग, लाइक गॉर्जियस। नाउ आप अपने इयररिंग्स, जो भी आपको एक्सेसरी पहननी है वो आप पहन, और लास्ट मेक टचअप के साथ हमारा ये लुक कंप्लीट है। सी हाउ प्रीटी इट्स लुकिंग।